हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाला जो विज्ञान का पेपर है फ्रेंड्स, वायरल हो चुका है। यही पेपर फ्रेंड्स प्रत्येक स्कूल में आ रहा है, तो इस पेपर का संपूर्ण हल करके ही आप अर्धवार्षिक परीक्षा देने जाएं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका क्या है, विज्ञान का पेपर है जिसमें आपका टोटल पूर्णांक जो है 70 नंबर का है। ठीक है, इसमें जो समय आपको मिलेगा 2.5 घंटे का समय है इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। फ्रेंड्स, आप इसके नोट को एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। क्या है, देखिए, प्रश्न पत्र दो खंडों में विभाजित है। खंड क है उसमें 20 अंक का आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, और खंड ख जो है वो आपका 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। ये सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य भी है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको सभी प्रश्नों को हल करके बताते हैं। फ्रेंड्स देखिए, खंड क है, खंड क में आपका पहला सवाल है और बहुविकल्पी है, प्रत्येक एक नंबर का प्रश्न है। देखिए क्या है फ्रेंड्स कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पढ़ाते समय पढ़ाए थे कि फोकस दूरी यफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का आधा। वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं और बटा के दो, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 30 दिया और बटा के दो कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो -30 दिया है, -15, +60 और प्लस, देखिए 15 तो आ रहा, लेकिन 15 ऑप्शन में दो जगह दिया है, तो -15 होगा कि +15 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ याद रखिएगा कि अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो माइनस में होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में। यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपका दूसरा नंबर का सवाल क्या है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, क्षमता बराबर क्षमता पूछा है ना, तो लेंस की क्षमता पी स्क्वायर टू क्या होता है, 1/f होता है, ये भी पढ़ाए थे आपको। फ्रेंड्स ये जब आप फोकस दूरी मीटर में होता है तब ये फार्मूला लगता है। इसके अलावा पढ़ाए थे फ्रेंड्स कि जब आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा तो इसका फार्मूला होता है 100/f होता है, और किसमें, ये सेंटीमीटर में रहेगा तो ये फार्मूला आपको लगाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, 100 हो गया और यफ का मान सेंटीमीटर में दिया है तो 50 रख लीजिए। देखिए 50 से 2 बार में कटेगा, 2 से 2 आ जाएगा, और इसका मात्रक जो होता है क्षमता का डायोप्टर होता है, डायोप्टर को डी से दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन को जब ध्यान से देखेंगे तो -2d +2d +0.02d माइनस, ये ऑप्शन में है। देखिए ये आपका ऑप्शन ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है, प्लस में हो सकता है या माइनस में। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, जब उत्तल लेंस का आता है तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है आपका किस में होता है, प्लस में, लेकिन अवतल लेंस कहेगा फ्रेंड्स, यहीं पे सवाल में आपको क्या कह देता है, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं आप, अवतल लेंस, अवतल लेंस कहता, इसकी क्षमता किस में होता है, माइनस में होता है, ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, अभी आपको अवतल दर्पण का बताए थे, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है किस में होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट लिख देते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होता है, माइनस में, लेकिन यही पर उत्तल दर्पण कहता है फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस में होता है, प्लस में होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आप सवाल आते हुए भी गलती कर देंगे। ठीक है, इसको आप एक जगह लिख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला नंबर का सवाल क्या है, तीसरा नंबर का, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, देखिए फ्रेंड्स, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे दिया है, इसको आपको बताया था कई बार, प्रश्न आप सभी को करवाए भी थे। हवा के सापेक्ष मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, बस ध्यान दीजिए कि हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है 1.5 ना, तो देखिए 1.5 है, इसे लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, 5/15/10 भी 0.5 लगा के ये लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है कांच के सापेक्ष, देखिए हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है इतना, तब यहाँ पे पूछ रहा है कांच के सापेक्ष हवा का, यानी उसका उल्टा कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस भिन्न को सिर्फ आपको पलटना था, यानी 10/15 बताना था, अब इसको कटा के हल कर, देखिए 2 हो जाएगा 3 बार में, यानी 2/3 भाग देंगे
छः 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 आएगा। यहाँ भी देख लीजिए 0.66 कहाँ पे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जब देखेंगे तो 0.67 है ना, यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके नियर अबाउट है, तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, जब हवा के सापेक्ष कांच का कहेगा और उसका उल्टा कांच के सापेक्ष हवा का पूछेगा पूर्णांक, तो इसी को आप क्या करेंगे, बस पलट देते हैं भिन्न को, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखिए क्या आपका चौथा नंबर का, कि कांच का पूर्णांक अधिकतम होता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जो कांच का पूर्णांक किस में अधिकतम होता है, हरे रंग का, बैगनी, लाल या पीला। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि कांच में अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका अपवर्तनांक कहेगा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कह दें, विचलन कहे, विचलन कह दें, अपवर्तनांक कहे, विचलन कहे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका प्रकीर्णन कहे, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ठीक है। इधर लिखिए अधिक, इधर अधिक लिखिए, इधर कम लिखिए, ठीक है। देखिए अपवर्तनांक का है, विचलन का है या प्रकीर्णन, तो बैगनी रंग का, देखिए आप याद रखिए, बैगनी रंग का अपवर्तनांक, विचलन और प्रकीर्णन, ये तीनों क्या होते हैं, अधिक होते हैं। लेकिन लाल रंग का फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, लाल रंग का अपवर्तनांक, विचलन और प्रकीर्णन लाल रंग का कम होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक कंसेप्ट और याद रखिएगा, यहाँ पर तरंग दर्द पूछता है बार बार, तरंग दर्द पेपर में तरंग दर्द बार बार आता है। ये तरंग दर्द जो होता है अधिक पूछेगा तो लाल का होता है, और कम पूछता है तो किसका होता है, बैगनी का। ये बस कंसेप्ट याद रखिएगा, आप कभी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपसे एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कांच का अपवर्तन अधिकतम होता है, बैगनी का हो गया। अगला प्रश्न देखिए, स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन पढ़िए 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। तो स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है फ्रेंड्स, वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब सी वाला, सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, प्रिज्म का विचलन अधिकतम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी बताएं, जब विचलन कहे, प्रकीर्णन कहे या अपवर्तनांक कहे, अधिक पूछेगा तो बैगनी का, कम पूछता है तो लाल का बताते हैं। तो यहाँ पे पूछा है प्रिज्म का विचलन अधिकतम होता है, तो किस रंग का होता है, तो अधिकतम जो होता है बैगनी रंग का होता है। इसका सही जवाब अ वाला करेक्ट हो जाएगा। सातवां नंबर का देखिए फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको टेस्ट भी लिए थे तो उसमें भी कराए थे, और ये प्रश्न कई बार आपको बता भी चुके हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, काला। इस प्रश्न का सही जवाब अ वाला करेक्ट हो जाएगा। आठवां नंबर का सवाल देखिए, कूलाम प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, आवेश, विद्युत धारा, प्रतिरोध या विभवांतर। देखिए फ्रेंड्स किसका मात्रक, तो आपको पता होगा कि आई इक्वल टू क्या फार्मूला बताया था, आई इक्वल टू क्यू बाई टी बताए थे। तो देखिए ये क्यू किसका मात्रक, क्यू का मात्रक कूलाम हुआ और टी का मात्रक सेकेंड हुआ, क्या हो गया, सेकेंड। यहाँ पर देखिए कूलाम पर सेकेंड ही है ना, यहाँ पर कूलाम पर सेकेंड, तो किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का। इसका सही जवाब वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई के 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करें, उस किसी तार की लंबाई जो है ना उसकी प्रारंभिक लंबाई के 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध होगा। देखिए फ्रेंड्स प्रतिरोध का फार्मूला आर इजकल टू रो यल अपन ए पढ़ा है ना, तो आर जो है किसके समानुपाती, यल के ना, इसका मतलब लंबाई बढ़ेगा तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यहाँ कर लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई कितना कर दे रहा है, 3 गुना, तो लंबाई यदि 3 गुना कर रहा है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 गुना ही होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यही प्रश्न एक याद रखिएगा कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई के 3 गुना करने पर, यानी उसको कहता कि खींच कर ना, खींच कर कहता तो उसका 3 का स्क्वायर कर लेते, तितली का 9 हो जाता। समझ में आ गया ना, जब इसमें शब्द का प्रयोग करता खींच कर, यानी उसकी लंबाई कितना खींच कर 3 गुना कर दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको होता है 9 आंसर। लेकिन यहाँ पे सीधे कह रहा है कि 3 गुना बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न बार बार आपके पेपर में आता है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपका अगला नंबर का सवाल क्या है, 10वां नंबर का, कि किलोवाट घंटा मात्रक है। फ्रेंड्स ऑप्शन है विद्युत शक्ति, विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत आवेश। तो फ्रेंड्स आप डायरेक्ट याद रखिएगा, किलोवाट जो घंटा होता है वो मात्रक आपका होता है विद्युत धारा का। तो इसका सही जवाब ब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरे सॉरी दोस्तों विद्युत ऊर्जा का। तो इसका सही जवाब स वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा कि किलोवाट घंटा को हम यूनिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, या इसके अलावा बी
टी यू भी कहते हैं, तो ये देखिए यूनिट भी कहते हैं, बी टी यू भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर 11वां नंबर का सवाल क्या है आपका कि कार्बन को हवा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स जब कार्बन को कह रहा है हवा मतलब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो आपको क्या बन रहा है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो करेक्ट कौन सा उदाहरण होगा, तो ऑप्शन पढ़िए योगात्मक होगा, विस्थापन होगा, वियोजन होगा या उष्मीय होगा। तो फ्रेंड्स देखिए दो तत्व तो आपस में जुड़ के एक यौगिक बना दे रहे हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो जब जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या उसके अलावा युगात्मक अभिक्रिया, इसका सही जवाब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्या है कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है, देखिए देखिए कैल्शियम फॉस्फेट का CaPO3 twice CaPO4 CA3PO4 twice CA3P2O4, तो कैल्शियम फॉस्फेट का फ्रेंड्स फार्मूला याद रखिएगा CA3PO4 twice होता है, तो इसका सही जवाब 100 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स H2SO4 की क्षारकता है, तो फ्रेंड्स देखिए 0, 2, 1, 4, तो फ्रेंड्स यहाँ क्षारकता बता रहे थे इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी सम्मिलित है, 2 सम्मिलित है ना, इसमें कितना है आपका ब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2, तो क्षारकता कितना इसमें 2 है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगला नंबर का सवाल है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, ऑप्शन पढ़े धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या विरंजक चूर्ण। तो फ्रेंड्स देखिए जल में आपका जीवाणु को नष्ट करना है तो कौन सा पदार्थ उसमें मिलाते हैं, तो विरंजक चूर्ण मिलाते हैं, तो इसका सही जवाब द वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेंडल का प्रायोगिक पौधा यानी मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, ऑप्शन मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों या गुड़हल। तो फ्रेंड मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था उद्यान मटर पर किया था, तो इसका सही जवाब ब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगला सवाल है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन यक्स वाई, यक्स यक्स, यक्स और वाई। तो फ्रेंड देखिए पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं यक्स वाई होता है, तो इसका सही जवाब अ वाला होगा, लेकिन इसके साथ में याद रखिएगा जो स्त्री होती हैं, ठीक है, जो महिलाएं होती हैं उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं यक्स यक्स होता है, ठीक है, तो दोनों प्रश्नों का आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन है तना, पत्ती, जड़, प्रकलित। तो कायिक प्रवर्धन के लिए फ्रेंड्स कौन सा अधिक भाग अनुकूल होता है, तो तना होता है, इसका सही जवाब अ वाला होता है। फ्रेंड्स जैसे आप गुलाब देखे होंगे ना गुलाब का, तो फ्रेंड्स क्या करते हैं गुलाब के जो तना होता है उसको काट के ला के यदि लगाते हैं तो दूसरा पौधा वहाँ पे बन जाता है, तो उसी को कहते हैं कायिक प्रवर्धन। यहाँ पे कौन सा भाग उसमें भाग लेता है, तो आपको तना काट के ले जाते हैं ना, तो यहाँ पे अ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स कार्बन परमाणु की संयोजकता कितना है, तो फ्रेंड्स आपको बताएं पता होगा कि कार्बन परमाणु जो होता है कार्बन को सी से दिखाते हैं, इसे परमाणुओं की संख्या जो होता है कितना होता है 4 होता है, इस प्रश्न का सही जवाब सवाल वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स 20वां नंबर का क्या है, निम्न में से पौधों में पुरुष एकलिंगिक होते हैं, ऑप्शन है पपीता, गुड़हल, सरसों, मटर, इसका सही जवाब अ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक लिंग किसमें होता है, तो पपीता में होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हुए, अब चलिए खंड ख के सभी प्रश्न आपको बताते हैं। खंड क्या है, खंड ख में पहला उपखंड अ आता है, ठीक है, जिसमें प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, इस प्रश्नों को हल करके ही जाइएगा फ्रेंड्स अर्धवार्षिक परीक्षा देने के लिए, और यही प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या है कि एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाए, इस दर्पण का उपयोग भी लिखिए कि इस दर्पण का अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ये आपका दर्पण का 6वां कंडीशन जो आप लोगों को पढ़ाए थे वही 6वां कंडीशन इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया ना। इसका देखिए आपको इसका आंसर दिखा देते हैं, इसका 6वां कंडीशन आपको बताते हैं कैसा इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए फ्रेंड जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो यही एक ऐसा कंडीशन है कि इसी के द्वारा आपका अवतल दर्पण के द्वारा ही आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस तरह बनाने के बाद आपको लिखना रहता है वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा आभासी सीधा व आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस प्रकार से आपको स्वच्छ एवं सुंदर सा चित्र आपके पेपर में बनाना है फ्रेंड्स, बना के बस एक लाइन का इस तरह लिखना पड़ता है, ठीक है। देखिए प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो गया पहले का। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में बताना है कि क्या है, इसका कारण बताइए, इस दोष के निवारण के लिए सचित्र वर्णन कीजिए, आँख की समंजन क्षमता से तात्पर्य, ये 4 नंबर का है फ्रेंड्स, ठीक है। सभी प्रश्नों को आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष आपका क्या होता है ना, निकट दृष्टि दोष
फ्रेंड्स ये सभी आपको पढ़ाएं। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष देखिए, देखिए क्या है निकट दृष्टि दोष में, कि इस दोष में नेत्र के निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। ये सभी आपको पॉइंट पढ़ाए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसका आपको चित्र भी कहा है बनाने के लिए, इस प्रकार से आपको जब चित्र कहेगा तो इस तरह आपको बताना पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अनंत पे वस्तु है और यहाँ पे एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो मानव का यह नेत्र है इसमें आपका प्रतिबिंब रेटिना बनना चाहिए लेकिन उससे पहले बनने लगता है, इसलिए इसमें कौन सा दोष, इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके कारण को देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका कारण क्या है। इसलिए कि प्रश्न में आपका ये तो पूछा था कि निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष हो गया। इसका सचित्र वर्णन करने के लिए कहा था, सचित्र वर्णन आपको दिखा दिए। इसका कारण आपको बताते हैं कि इसका कारण क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष का जो कारण है फ्रेंड्स, इस दोष के दो कारण कौन कौन सा है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी क्या होता है कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा कारण है कि नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है जिससे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इसको दूर करने के उपाय क्या है फ्रेंड्स, देखिए आपका ये निवारण में है कि आपको निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये इसका पूरा चित्र है, यहाँ पर अवतल लेंस प्रयोग करेंगे जिससे यहाँ से प्रतिबिंब का यहाँ पे बन जाता है, रेटिना बन जाता है। तो इस तरह आपको इसका सचित्र वर्णन करना था। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, ये दूसरा नंबर का आंसर आपको समझ में आ गया, आप लिख लीजिएगा इसको और हल करके ही फ्रेंड्स आप जाइएगा पेपर देने के लिए। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों साथ में पढ़ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स तीसरा नंबर का सवाल क्या है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखिए, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति किरण आरेख बनाइए। तो फ्रेंड्स देखिए ये सवाल आपको कराए हैं ये, ठीक है, इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा। अगला फ्रेंड्स देखिए क्या है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन हेतु सूत्र का निगमन कीजिए। आपको श्रेणी क्रम हुआ या समांतर क्रम हुआ किस प्रकार से निगमन होगा आपको पढ़ाए थे। ठीक है, पूरा दिखा बता लीजिएगा। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध होता है आर इजकल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इस तरह बताए थे आपको। और जो समानांतर क्रम में इसे संयोजन करेंगे तो वन अपन आर इजकल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री, इस तरह आपको निगमन करना था। टोटल छः नंबर का है ये प्रश्न आ रहा है तो ठीक नहीं थी। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न आपका है, किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी लिखिए। जब वस्तु अनंत पर व टू एफ के बीच हो, दूसरा वस्तु लेंस के टू एफ दूरी पर हो, वस्तु लेंस की फोकस व प्रकाशित केंद्र के बीच हो, ये छः नंबर इसको कीजिएगा या इस वाले को करना था। अब देखिए फ्रेंड्स उपखंड ब स्टार्ट होता है यहाँ से, इन प्रश्नों को भी देखिए क्या है। अब यहाँ से आपके रसायन विज्ञान के सवाल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, रसायन अभी तक भौतिक विज्ञान के थे, अब रसायन विज्ञान के। देखिए क्या है फ्रेंड्स कि योगात्मक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण सहित आपको अंतर लिखना था। चलिए ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपको बताते हैं कि क्या होगा इसका सही जवाब। फ्रेंड्स पहले देखते हैं हम योगात्मक अभिक्रिया का कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स योगात्मक को हम संयोजन संकलन तीन नामों से जानते हैं, तीनों नामों को जानते रहिए। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसमें आपको एक उदाहरण भी लिखना है। तो उदाहरण में यस प्लस ओ टू मतलब सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तो देखिए दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया ना, इसे ही क्या करेंगे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको दो लाइन लिखना था। अब चलिए इसका देखिए यहाँ पे एक चीज़ और पूछा है विस्थापन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको विस्थापन अभिक्रिया जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, वे अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह आ जाते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न ये जो आपको है बहुत बढ़िया से डिटेल में पढ़ाए थे, आप इसका वो एक उदाहरण देखिए, इस तरह लिख लीजिएगा CuSO4 प्लस Fe मतलब कॉपर सल्फेट के साथ जब आयरन का अभिक्रिया कराया जाता है तो आयरन Fe क्या करता है Cu को यहाँ से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह बनता है FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विस्थापित करके जब बनाता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स ये पाँचवा का क वाला तो आपका सही है जो दो नंबर का है। ठीक है, अब फ्रेंड्स खा वाला क्या है, उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, यानी उष्मा छेपी के बारे में उष्मा शोषी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख बताते हैं आपको।
देखिए फ्रेंड्स, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाता है, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होता है, मतलब निर्मुक्त मतलब ऊष्मा जिसमें से निकलता है उसमें ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक उदाहरण ही आपको लिखना है, जैसे 2H2 मतलब हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ से जल बनता है, 2H2O बनता है, जल बनता है, लेकिन इसमें से देखिए फ्रेंड्स 136.8 किलो कैलोरी की ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में बताना था। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, देखिए नाम से ही पता चला है ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा को शोषित कर रहा है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल में लिखना था कि N2 जो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है 2NO बनाता है, जिसमें आपको ये अभिक्रिया संपूर्ण होने के लिए 42 किलो कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है तो इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला क्या है सवाल आपका, कि कह रहा है कि अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा दीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए, संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ये 4 नंबर का, ठीक है। देखिए अम्ल है, देखिए अम्ल के बारे में आपको आधुनिक अवधारणा के अनुसार लिखना था कि आरहेनी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देता, यानी कि जो पदार्थ H+ आयन देते हैं उसे ही क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो अम्ल के बारे में था, अब इसमें जैसे आपको एग्जांपल लिखना था तो आप लिख सकते हैं अम्ल में H2SO4, एक एग्जांपल लिखना था H2SO4 लिख सकते थे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अम्ल तो हो गया, अम्ल समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करें, क्षारक भी कर रहे थे, क्षारक भी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्षारक देख लीजिए आप, आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तथा हाइड्रोक्साइड आयन के अतिरिक्त अन्य कोई आयन नहीं देते हैं क्षारक कहलाते हैं। देखिए क्षारक का मतलब जो OH- देते हैं उसे क्षारक कहते हैं उस पदार्थ को। उदाहरण में देखिए NaOH, KOH, CaOH2, NH4OH, इसमें से एक ही उदाहरण लिखना था, समीकरण में लिखना रहता NaOH, देखिए Na+ हो जाता, OH अलग हो जाता, Na+ OH- हो जाता, इस प्रकार से आप लिख सकते थे इसका संपूर्ण आंसर। देखिए ठीक है, यहाँ पर जो पूछा था आप रासायनिक समीकरण पूछा था, अम्ल और क्षारक का आधुनिक अवधारणा क्या है, एक एक उदाहरण पूछा तो एक एक उदाहरण भी आप बता चुके हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, अगला नंबर का सवाल क्या है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में आपको क्या करना था, अंतर स्पष्ट करना था कि धातु क्या होता है अधातु क्या होता है। धातु मतलब जिसमें धारा आपका आसानी से प्रवाहित होता है धातु कहलाता है, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता अधातु कहलाता है, इस प्रकार से आप लिख सकते थे। अगला देखिए 8वां नंबर का क्या है, कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का है। चलिए आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए आंसर इसका। देखिए फ्रेंड्स, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयी तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है वह अभिक्रिया अपचयन उपचयन या उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इस तरह आपको एग्जाम्पल लिखना था, ZnO+ मतलब जिंक ऑक्साइड सी के साथ क्रिया करें, जिंक अलग हो जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। देखिए आपको क्या हो रहा है कि सी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये उपचयन हो जाएगा, और जिसके साथ ऑक्सीजन निकल रहा है वो अपचयन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा डिटेल में आप सबको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में समझाए थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के प्रश्न को देखते हैं, आपका अगला नंबर का सवाल क्या है, देखिए ध्यान से कह रहा है खामे कि ये भी आपका 2 नंबर का है, कर pH मूल्य क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, pH मान के बारे में लिखना था कि सारंसन के अनुसार क्या था, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण क्रियात्मक लघुगणक को pH मान कहते हैं, ये लिख सकते थे। या इसके अलावा एक और परिभाषा इसका है, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण को व्युत्क्रम को लघुगणक pH कहते हैं। देखिए ये इसका फार्मूला था, pH बराबर -log H+ आयन log 1/H+ आयन मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार से इन दोनों में से कोई एक ही परिभाषा आपको pH मान के बारे में लिखना था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको pH मूल्य क्या है पता चल गया, इसका दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है चलिए बताते हैं आपको। फ्रेंड्स देखिए, दैनिक जीवन में जो pH का महत्व क्या है, तो हमारे पाचन तंत्र में pH का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये सभी देख लीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा, pH परिवर्तन के कारण जो होता है दांत क्या होता है क्षय होने लगता है, ठीक है।
इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, पौधे एवं जंतुओं के बीच पीएच की प्रति संवेदनशीलता, ये दो तीन पॉइंट आपको सिर्फ लिखना था फ्रेंड्स। हमारे पाचन तंत्र पीएच का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। फिर इसके बाद पीएच परिवर्तन के कारण हमारे दांत क्या होता है, क्षय होने लगता है। तो यही दो तीन पॉइंट आपको इसके बारे में आप सभी को लिखना था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए अगला नंबर का आपका सवाल क्या है, कल निम्नलिखित समीकरण निम्न का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना था। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जब क्रिया करते हैं तो ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं। देखिए जिंक यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे पहला नंबर का सवाल है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में क्रिया करेगा, देखिए आपको ये समीकरण बार बार कहे तो किसको पढ़ के जाइएगा। देखिए जेड एन जिंक जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल को होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को होता है H2SO4। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो जेड एन जो होता है SO4 के साथ आ जाता है, तो जिंक सल्फेट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना था जिंक सल्फेट, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भरना था। अब देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3 होता है, जब ये ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटन होता है तो CaO बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से इसको हिंदी में लिखना था कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए कैसे लिखना था, पूरा पेपर फ्रेंड्स आपको हल करा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस प्रकार से आपको पेपर में लिखना था कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा बकायदे इस तरह लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर फ्रेंड्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन कितना समय लग रहा है आप सभी को बता देते हैं समय। अब यहाँ से उपखंड स स्टार्ट हो, जिसमें आपका क्या आता है, जीव विज्ञान के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीव विज्ञान, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी प्रश्न का आंसर। देखिए क्या है आपका, आपको बताना था कि पाचन किसे कहते हैं, मनुष्य भोजन की पाचन क्रिया का सचित्र बनाना, चित्र भी बनाना था, पाचन के बारे में बताना था। चार नंबर का देखिए प्रश्न है, इस प्रश्न को जरूर पढ़ के जाइएगा आप। अगला है कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना बनाना है, इसका क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करना, ये भी आपका चार नंबर, ठीक है। हृदय बनाना था, उसके बारे में लिखना था आपको। अगला है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इस क्रिया में हर पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। मतलब प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना है, उसका समीकरण भी लिखना है और यह प्रत्येक कितना नंबर का है, छः नंबर का है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके हाफ ईयरली जो पेपर हो रहा है फ्रेंड्स, उसमें ये पेपर फ्रेंड्स आपके 100% गारंटी देते हैं कि यही प्रश्न पत्र एकदम वायरल हो गया, प्रत्येक स्कूल में यही प्रश्न पत्र आ रहा है, तो इसका संपूर्ण हल देख के ही जाएं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।